बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम होम्यो डॉक्टर हकीम सैयद इमरान अब्बास आपको अल सैयद चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और सेहत और तंदरुस्ती अता करे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमरूद। अमरूद गरीबों का इसे सेब भी कहते हैं और हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा सस्ता और बहुत जल्द हर बंदे के हाथ में आसानी से आ सकता है, मगर इसके खवास फवायद हर बंदे को पता ही नहीं। मगर कुदरत ने जितनी भी फल या जितनी भी नेमतें हमें अता की हैं, अगर उनके तमाम फवायद का हमें पता हो तो हमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा फल है कि अगर इसे सही ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन मैदे की तमाम अमराज इसी फल से ख़त्म हो सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू में इसके जितने मुझे फवायद और खसूसियात का पता है मैं आपसे गोशो गुजार कर सकूँ। पहले नंबर पे आप याद रखें, ये विटामिन ए और सी का एक मजमूआ है। जो विटामिन की टैबलेट लेते हैं, विटामिन के टीके लगवाते हैं, विटामिन की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ अमरूद इस्तेमाल कर ले तो विटामिन की कमी, ए और सी की कमी पूरी हो सकती है। दूसरा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ अक्सर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले 300 ग्राम अमरूद का इस्तेमाल किया जाए तो ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए खैरबाद हो जाता है। हमारी बच्चियाँ अक्सर पिंपल्स और चेहरे के दानों के लिए बहुत महंगी और एक्सपेंसिव क्रीमें और मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं। अगर 300 ग्राम रोज़ाना सुबह नाश्ता ना करें, सिर्फ इसे इस्तेमाल करें तो चेहरे के दाने हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। दांतों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। मुंह की बदबू के लिए बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, अगर इसे इस्तेमाल किया जाए। हाँ, इस्तेमाल हमेशा अमरूद को अगर खाली पेट किया जाए तो मैदे की अमराज हमेशा के लिए दफा हो जाती है। खून को साफ करता है, कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करता है, बल्कि कोलेस्ट्रोल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। पुराने जख्म जो बड़े बड़े एंटीबायोटिक मेडिसिन से नहीं ख़त्म होते, इसके इस्तेमाल से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का एक ख़जाना है। मसाने की सोजिश को ख़त्म करता है। मलयन है, कब्ज़ को हमेशा के लिए खैरबाद हो जाती है। बवासीर, खूनी हो या बादी, इसके इस्तेमाल से बवासीर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। कोलेस्ट्रोल को तो मैं पहले बता चुका हूँ, ख़त्म कर देता है। पट्ठों की ताकत, जो पैरों से लेकर टखनों तक जो दर्द होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो, पेचस के लिए और पुरानी संग्रहणी के लिए, बच्चों की पेचस हो या बड़ों के, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसके और भी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। इस्तेमाल मैं पहले भी बता चुका हूँ, 300 ग्राम से ज़्यादा ना किया जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।